समाचारी आप देख रहे हैं दांडेली दैनिक समाचार। तो चलिए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं गोविंद पारिक। आज दांडेली में वाजपेयी वसती योजना के तहत G+2 घरों को स्थानीय MLA श्रीमान RV देशपांडे जी के द्वारा उन्हें वो पट्टा दिया गया। काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कई लोगों को यह पट्टा दिया गया और भी कई लोगों को देना है। श्रीमान देशपांडे जी ने बताया है कि बहुत जल्द जो बचे हुए लोग हैं उन्हें भी यह घर अलॉट कर दिया जाएगा। उसी के साथ जब हमने देशपांडे जी से बात की तब हमने उनसे पूछा कि ये जो कार्य किया है बहुत अच्छा है, कई लोगों के चेहरे पर खुशी आई है। दांडेली से जो ट्रेन चलती थी उस ट्रेन को अगर फिर से शुरुआत करें तो कई लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो उन्होंने भरोसा दिलाया है और कहा है कि बहुत जल्द शुरू होगी। मिनिस्टर्स लेवल में और प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने आवेदन दिया है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द ट्रेन शुरू होगी। हमारी वार्ता श्रीमान देशपांडे जी से देखिएगा। ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ PMAY ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1100 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ 108 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಳಿಯಾಜೋಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯ ಗೌರವಯುತ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡಿ ನಗರ ಕಂಡರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಹಂಚಿದೆ. ಸ್ಲಬ್ ಹೊಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಲಬ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈಗಾಗಿ ಸ್ಲಬ್ ಹೊಡೆದ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸುರಯ್ಯ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ರಾವತ್, ಎರಡನೇದು ಖುರ್ಷಿದಾ ಬೇಗಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಗೌಸ್ ತುಂಡಿಸಿ, ತುಂಡಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೈರಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಯೋಮಿ ಆನಂದ್ ಮಲ್ಲಾಪುರಂ, ನಿರ್ಮಲಾ ತಾವರಪ್ಪ ಲವಾಣಿ, ಹಿಡ್ಕೊಂಬಾರ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಬರೀ ಟೈಮ್ ಮುತ್ತವ್ವ
ಮಾಲತಿ ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಿ ಶಾಹಿದ್ ಮೂಸ और हमारे विधायक श्रीमान आरवी देशपांडे जी है जिनके हाथों आज बेघरों को घर मिला है, ये खुशी मिली है। ये बात करते हैं सर जी, काफी लोगों को घर मिला है, ये आपके शुभ हाथों से हुआ है, और भी कुछ घर हैं वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं सर? देखो ऐसा है, गरीबी जो है बात करने में बहुत आसान है, आसानी से बात करते हैं, लेकिन गरीबों का जो हाल है वो गरीबी समझता है। तो हमारे जैसे लोग हैं जो जिम्मेदारी में है, जिस हाथों से कुछ अच्छा हो सकता है वो करना हमारी जवाबदेही है, हमारा धर्म है, उस रास्ते में हम चले हैं। दांडीली में तुम हल्याल रोड जाओ, वाड आयल एरिया, गाउठान, तुम्हारा गांधीनगर, स्तंभ बोर्ड में हजारों घर बने हैं। ये जो घर बने हैं अभी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जी प्लस टू वो 1106 है, 1106 तो वो घर 1106 लोगों को अलॉट हुए हैं। अभी थोड़े लोगों ने स्लम बोर्ड से भी घर लिए हैं, वो हो सकता नहीं, एक ही घर मिल सकता है, स्लम बोर्ड का तो मिलेगा नहीं तो इधर का मिलेगा जी प्लस टू। उनको बोला है, चॉइस तुम्हारा है, तुम जाके म्यूनसिपाली में बोलो किसको सा चाहिए, अगर उनको स्लम बोर्ड का चाहिए ले लो, ये चाहिए ये ले लो, वो आज़ादी उनको दिए सुन। तो और भी जो ये गरीब लोग हैं उनको इमीडिएटली नहीं हुआ, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जगह चाहिए ना। सही बात, दांडीली म्यूनसिपाली में 10 एकड़ लैंड रखा है, 10 एकड़ लैंड, हाँ, तो 10 एकड़ में कितने घर हो सकते हैं? 10 एकड़ बड़ा लगता है, 300 घर भी होते नहीं, तो जितना लैंड मिलता नहीं ना, सही बात, लैंड मिलना चाहिए, तो जितना लैंड मिलता है उतने घर बनाने की कोशिश, जैसे जैसे लैंड मिलता जाएगा वैसा हमारे तरफ से सरकार तरफ से हुआ जाएगा सर। और एक बात सर, बहुत मजा आएगा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, ये जो बोल रहा था इसको जोरू का घर में प्रॉब्लम, इधर तेरा की प्रॉब्लम सर जी, एक छोटा सा एक मिनट बोला, जोरू का प्रॉब्लम नहीं है सर जी, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सर कि जितना जल्दी हो सके उतना अगर रेलवे आप चालू कराए तो बहुत अच्छा होगा। काफी लोग, मैंने 15 दिन पहले रेलवे मिनिस्टर को, प्रहलाद जोशी को और प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है कि अभी इसका नाम अंबेवाड़ी था, हमने बहुत कोशिश करके 2-3 बरस लगा दांडीली करने में, वो दांडीली हुआ है। अभी यहाँ से ट्रेन अलावा तक जाना चाहिए, अलावा से वापस आना चाहिए, वहाँ से बहुत ट्रेन है, अटैच ट्रेन पर, वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 10-12 दिन के पहले मैंने खत लिखे सब। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने आपसे सवाल पूछा था, उसका कई लोगों ने सही जवाब दिया है कि आई और ए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल, भारत का कौन सा राज्य, कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? कमेंट्स में अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं सुनील एमएच, कल फिर मुलाकात होगी हमारे